मिक्का जी के साथ धमाका, जिसमें मैं मशरूम उगवाऊंगी, इसलिए मैंने मशरूम के अपने हेयर कट भी किए हैं। उनका जीवन सफल हो गया है तो मैंने भी वही मशरूम उगाए हैं। राखी सावंत आ चुके हैं मुंबई और मुंबई आते ही उन्होंने कर दिया धमाका। मुंबई के एयरपोर्ट पर राखी अपने अनोखे अंदाज में दिखी और सबके सामने अपने नए फ्रेंड को कर दिया इंट्रोड्यूस। इतना ही नहीं, राखी ने अपने काम के बारे में भी बताया, वो भी किसी और के साथ नहीं बल्कि मीका के साथ। Meet my new hero, everyone. और मैं मीका जी के साथ काम करना चाह रही हूँ और गुड न्यूज ये है कि बहुत जल्द मैं मीका जी के साथ एक बहुत बड़ा वीडियो कर रही हूँ। मीका, मीका पाजी, तुसी कितने हो? I need you. और हमारा शौक आने वाला है मीका जी, मैं और शहबाज खान। तो मीका जी और मैं आप बेस्ट फ्रेंड बने हैं। चलो मेरा बात। राखी एयरपोर्ट पर आए और हंगामा ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। सेल्फी लेने वालों की भीड़ लग गई और हमेशा की तरह राखी अपने अंदाज में मना करती हुई नजर आई। थोड़ा दूर प्लीज। मैंने आज ही अबाया हटाया है और आप लोग ऐसा कर रहे हो, प्लीज। नहीं, आप पीछे से टच मत करो दादा। चलो दादा प्लीज। अरे पीछे से कौन सा सेल्फी लेते हो यार, आगे जाओ ना। ये पीछे से कौन सा सेल्फी, आगे से करो यार। चलो बस दादा प्लीज छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो ना पापा, हो गया अभी बस छोड़ो। चलो आ जाओ। चलो राखी जी आगे बढ़ो। हाँ, मेरा किस तरह उधर जा रहा है। सदमा आई है क्या? सदमा हाँ, सदमा जी आई है। प्लीज आप हटाइए ना फोन प्लीज। अरे सास तो नहीं दीजिए, ससुर बन के मेरे सर पे खड़े हैं। अरे भाई क्या हो रहा है। चलिए दिखाते हैं आपको राखी की कुछ खास बातें जो उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया के सामने कही। जी, मैं दिल्ली गई थी और मैंने वहाँ पे खेत खरीदा है जिसमें मैं मशरूम उगवाऊंगी, इसलिए मैंने मशरूम के अपने हेयर कट भी किए हैं। और वो मशरूम किसे खिलाऊंगी? खुद खाऊंगी, मोदी जी भी खुद ही खाते, माननीय प्रधानमंत्री जी। तो जैसे वो अपने मशरूम खा कर शांत रहते हैं, उनका जीवन सफल हो गया है, तो मैंने भी वही मशरूम उगाए हैं। जल्दी देखिएगा मिक्का जी के साथ धमाका। बड़ा वीडियो हमारा गाना आने वाला है मिक्का सिंह का। और 20 साल की जो मेहनत लगी हुई थी राखी की, राखी इज बैक और बहुत अच्छा आने वाला है। साउथ में और मुंबई में सब शूटिंग चलने वाली है। सो आई एम लॉन्चिंग नया हीरो इन माय सॉन्ग एंड मेकअप आर्टिस्ट।